बड़ी खबर का रुख करेंगे। यूपी में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़ी है बड़ी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे। तो लगातार जो है शिक्षक भर्ती से जुड़ी आज अभ्यर्थी है उनकी तरफ से तमाम मंत्रियों का घेर का घेराव भी किया जा रहा है, मांग उनकी तरफ से की जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुशील पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या जानकारी, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक? जी देखिए, 69,000 जो शिक्षक सड़कों पर थे उनके लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले में उन्हें हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन करना होगा और इसलिए इस पूरे मामले में हाईकोर्ट का आदेश तब तक लागू नहीं होगा जब तक इस पूरे मामले में सुनवाई पूरी नहीं होती है। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी राहत उनके लिए है। हालांकि तमाम याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने तमाम तथ्यों को नहीं देखा और एक नई लिस्ट बनाने के लिए कहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में तमाम याचिकाकर्ताओं से ये कहा है कि वो अपने अपनी तरफ से लिखित जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जून 2022 में ये कहा था कि जनवरी 2022 के सिलेक्शन लिस्ट को रद्द करते हुए यूपी सरकार का आदेश ये था कि 2019 में जो सहायक शिक्षक भर्ती के आधार हैं उनमें सिलेक्शन जो लिस्ट है वो 3 महीने के अंदर जारी किया जाए, ये हाईकोर्ट का आदेश था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा था कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के बराबर मेरिट हासिल करता है तो उसका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। और इसी पूरे आदेश के चलते यूपी में बड़ी संख्या में शिक्षकों के नौकरी पर खतरा मंडराने लगा था। बहरहाल मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे किस राह पर ये पूरा मामला चलते हुए सुशील जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले में फिलहाल हाई कोर्ट के जो आदेश है उसको सस्पेंड किया है, यानी कि इस पूरे मामले में हाई कोर्ट का आदेश प्रभावी नहीं होगा। जो स्थिति पहले थी वो स्थिति बनी रहेगी और साथ ही साथ यूपी सरकार को अब अगली सुनवाई यानी कि 23 सितंबर को अपना जवाब दाखिल करना होगा और उत्तर प्रदेश सरकार को ये बताना होगा कि सिलेक्शन को लेकर अगर गड़बड़ियां उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हुई हैं, आरक्षण लागू करने में अगर उनकी तरफ से गड़बड़ियां हुई हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है। बहरहाल तमाम शिक्षकों को एक बड़ी राहत देश की सबसे बड़ी अदालत से। बिल्कुल, तो शिशिर मिल रही है हमारे साथ। तो यूपी में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़ी ये बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगाई है, अध्ययन का वक्त यहाँ पर चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा है कि दोनों पक्षों से लिखित जवाब दाखिल जो है करने की यहाँ पर आग्रह किया है और उसके बाद अगली सुनवाई पर भी सबकी निगाहें यहाँ पर सुशील टिकी रहने वाली है। सुशील, आप तक आवाज पहुंच रही है? ये एक बार अपना सवाल दोहराएं। बिल्कुल सुशील, आज जिस तरह से पूरा ये सुनवाई का दौर रहा है, जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई गई, हालांकि अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं ये राहत देने वाली खबर है, लेकिन चुनौती कम नहीं होगी क्योंकि अब अगली सुनवाई पर सबकी निगाहें रहेंगी। जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अब इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार जब अपना जवाब दाखिल करेगी तो निश्चित रूप से सरकार ये बताएगी कि हाई कोर्ट के आदेश को किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लागू किया जाना है। और हाई कोर्ट के आदेश में जिस तरह से तमाम याचिकाकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि हाई कोर्ट में उनके जो तथ्य हैं उनको ठीक से नहीं सुना गया, तो सुप्रीम कोर्ट भी उन तमाम पहलुओं पर विचार करेगा क्योंकि एक लंबी वकीलों की फौज सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जो वकील थे उनकी तरफ से तैयार की गई है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 से 3 पन्ने का एक लिखित जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट
हाई कोर्ट के उन तमाम तथ्यों को देखेगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक फाइनल डिस्पोजल के लिए इस पूरे मामले को उसने लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 23 सितंबर को हम इस मामले में विस्तृत सुनवाई करेंगे और उस दिन तय करेंगे कि इस पूरे केस की दिशा क्या होगी। लेकिन तमाम याचिकाकर्ता वकीलों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है, उसके बाद से तमाम शिक्षकों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। कुछ लोग ऐसे कैंडिडेट हैं जो लंबे समय से बिल्कुल, और अब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुशील रोक लगा दी है, और इसके बाद अब यहाँ पर अध्ययन करने के बाद इस पूरे मामले पर विस्तृत चर्चा के लिए एक तारीख भी मुकर्रर कर दी है। तो ये मामला सुलझा पाएगा सुप्रीम कोर्ट, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी देने के लिए। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।